सिवान के सूता मिल के पास स्थित सेंट्रल वेयरहाउस सिवान का 63वां वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जेडीयू नेता व वेयरहाउस के प्रबंधक मंसूर आलम, जीरादेई विधायक प्रतिनिधि लाल बाबू प्रसाद, तकनीकी सहायक पीके उपाध्याय ने सभा को संबोधित करते हुए इस वेयरहाउस की खूबियां गिनाई और उसके लंबे भविष्य की कामना भी किए। साथ ही जेडीयू नेता को कर्मचारियों एवं अन्य लोगों द्वारा फूल माला व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वह इस कार्यक्रम के बाद मंसूर आलम अपने समर्थकों के साथ पटना के गांधी मैदान में होने वाले संकल्प रैली में भाग लेने के लिए पटना निकल पड़े। मंसूर साहब जी को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं एवं CWC के सभी पदाधिकारियों को भी मैं स्वागत करता हूं कि ये सब मिलकर यहां पर बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं और बिहार में ये गोदाम जो है नंबर वन है। आज भी इंडिया की सरकार है, आज के देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। चलिए देखिएगा, हैदर जी इधर देखिए। सभी पदाधिकारी गण को आज सम्मानित कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है CWC के सभी पदाधिकारी गण को। और एक है अखौरा बॉर्डर अगरतला पर, वो है ICP अखौरा बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, जो ट्रेड होती है वहाँ हमारा मेन रोल है। हमको ये गोडाउन दिया गया पूरे हिंदुस्तान में NDA के सरकार ने, माइनॉरिटीज का एक संस्था ये सिवान में दिया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, शरद यादव और बिहार के हमारे सिपरसन यादव का योगदान, तीन आदमी का योगदान इसमें, जो तीनों आदमी ने मेहनत करके मशक्कत करके हमको दिया और कानून में संशोधन हुआ। अटल जी ने कहा कि कानून में संशोधन करके इसको दिया, कानून में संशोधन करके पूरे भारत में प्राइवेट सेक्टर में हमको दिया गया 7 साल के एग्रीमेंट। आज जो है 7 साल से हम लोग 17 साल में जा रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि जितना बढ़ाइएगा हम लेंगे और हम बनाते जा रहे हैं गवर्नमेंट जा रहे हैं। इसलिए NDA के सरकार माइनॉरिटीज़ के जो काम कर रही है वो शायद कोई सरकार आज तक किया हो। ताकि NDA का अटल बिहारी वाजपेयी के बनने के बाद ये पहला इस तरह का गोडाउन दिया गया जो आज फूल फल रहा है, हजारों की संख्या में यहाँ लोग जी रहे हैं और जिसमें हमारी सरकार हर तरह की कॉपरेशन हम लोगों को दे रही है, कहीं किसी तरह का शिकायत नहीं। अफसर जो भी हैं हमारे यहाँ, चौधरी जी हैं, ठाकुर जी हैं, जितने भी CWC के अफसर हैं, वो चाहते हैं कि इसको कैसे तरक्की हो। 3 रात तरक्की में लगे रहते हैं और इसका तरक्की हमारे बिहार का पहला इकलौता है पूरे बिहार में और झारखंड में जो प्राइवेट सेक्टर में बन। CWC के पदाधिकारियों द्वारा आज आपको सम्मानित भी किया गया है, कितना हर्ष महसूस हो रहा है? बहुत हर्ष महसूस हो रहा है। भारत सरकार की ये संस्था है, ये हमको सम्मानित कर रहे हैं, इसको भारत सरकार के, मोदी सरकार का कहिए चाहे हमारे प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि रामविलास पासवान के मंत्रालय हमको सम्मानित किया जा रहा है। हम NDA में तीन हैं, नीतीश कुमार, पासवान जी और मोदी जी, तीनों आदमी का इसमें सहयोग है तब हम लोग चल रहे हैं। और NDA के लिए आज हम हजारों की संख्या में सिवान से लेकर जा रहे हैं गांधी मैदान, जिसमें हम लोग वहाँ खाने पीने का सारा व्यवस्था हम लोग किए हैं। ये हाईकोर्ट के बगल में मजार जो है, कोतवाली मजार के, जितने लोग जाएं सिवान जिला का सबका खाना नाश्ता सब व्यवस्था है। और अब हम 1 घंटा के बाद यहाँ से सिवान जिला में गोडाउन सही से रन कर रहा है और इसमें मोहम्मद मंसूर आलम जी का बहुत योगदान है। इनका ये गोडाउन है और इनका बहुत योगदान है और दो गोडाउन मतलब 5,000 टन कैपेसिटी के और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो होने से अप्रूवल हो जाएगी और FCI वहाँ भी स्टोरेज करेगी। कितनी क्षमता में आपने स्टार्ट किया था शुरू में और आज कितनी क्षमता में है इसकी, कितनी में? 5,000 टन से ये गोडाउन शुरू किया गया था, 7SGPY स्कीम थी, 7 वर्ष जो स्कीम है। तो उसके बाद आज की स्थिति है कि 15,000 टन आज के डेट में ये गोडाउन है 15,000 टन का और 10,000 अंडर कंस्ट्रक्शन है और आशा करते हैं कि 1-2 साल में वो भी 25,000 टन हो जाएगा पूरा। गोडाउन बनाया जाए जिससे लोगों को समय से गेहूँ चावल उपलब्ध है, किसी कारण आपदा सिवान में आ जाती है
उसको यहाँ पर स्टॉक रहे और सिवान, गोपालगंज, जरूरत पड़े तो छपरा को भी सिवान से सप्लाई दिया जाए। आपदा के समय में यहाँ पर स्टॉक गोदाम को और इसको विस्तार रूप से किया जाए, बड़ा किया जाए, जिस पर यहाँ पर हमेशा